इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां बाल संप्रेषण गृह में बंद 5 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि गंभीर मामलों में बंद बाल अपचारी उस समय रफू चक्कर हो गए जब सुरक्षा गार्ड नहाने चला गया था। लौट कर आया तो गिनती के दौरान बाल अपचारी कम मिले, जिसकी जानकारी अधीक्षक को दी तो हड़कंप मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद समान थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा बाल अपचारियों के गृह ग्राम और रिश्तेदारों के यहाँ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सुरक्षा कर्मी के ऊपर हमला कर बाल अपचारी फरार हो चुके हैं। वहीं बाल संप्रेषण गृह की खिड़की तोड़कर भी आधा दर्जन बाल अपचारी फरार हो गए थे, जो कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए थे। आइए सुनाते हैं बाल संप्रेषण गृह के चौकीदार ने पूरी घटना को लेकर क्या कहा है। मैं नहीं था, मैं नहाने गया था। नहाने गए थे, कितने बच्चे भागे यहाँ? 5। किस तरह भाग गए ये? खिड़की तो किचन की खिड़की तोड़ दी। आपकी जान बता रहे हैं रात से भी अक्की से भागने के लिए? रात को प्रयास कर रहे थे तो हमने रोका था उन्हें। रात का नहीं, रात इसके बाद ही भागे। सवेरे के समय भागे ना, रात की। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार अजय। क्या पुलिस को सूचना दी गई? नहीं, हमने ये यहाँ एक ही गार्ड था, 5 लड़के भागने वाले थे, तो इसकी सूचना क्या देनी चाहिए थी? लेकिन मेरे को छुट्टी में अभी चार्ज दिया, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? दिक्कत है क्या? नहीं, शुगर का पेशेंट हूँ, इसलिए तो दवाई खानी गया था।